अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन 2020 को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर, इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनका एडमिशन 2020 का पोर्टल तो 8 जून को ही आ गया था, लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुआ है। ऐसे में लेकर के द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान के बाकी न्यूज़पेपर ने एक नई नोटिस जारी की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बातचीत के बाद, और हम आपको ये लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं कि क्या सारी प्रक्रियाएं और कब से रजिस्ट्रेशन और बाकी डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी आवश्यकता होगी, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे विशद वर्णन करने के साथ साथ। कृपया करके इसे पूरा देखिए, देखने सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को मैंने पढ़ा, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड इट इज सेट टू बी वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर इन द कंट्री। तो इसके रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2020 एप्लीकेशंस फॉर्म्स टुडे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीडेड। आगे पढ़ता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2020 द एंटायर प्रोसेस विल बी हेल्ड ऑनलाइन एंड इन अ कॉन्टेक्टलेस मैनर As a learnt by IndianExpress.com for merit-based admissions, students whose results are yet to be declared will be given a chance to upload their marks later. कहने का मतलब ये है कि जो merit-based admission होंगे, यानी कि बहुत सारे UG courses में जो 12th marks के basis पर आपको admission दिया जाता है, तो registration अभी शुरू हो जाएगा और बाद में जब result आएंगे, यानी कि August के महीने में, तब उन्हें दोबारा document upload करने का मौका दिया जाएगा login करके। आइए यह खबर विस्तार से पढ़ते हैं। Delhi University Admissions 2020, the University of Delhi will release the application form for admission to its undergraduate and postgraduate courses for coming academic session today. मतलब कि आज यानी कि 20 जून को ये रिलीज होना था, हालांकि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। 5:37 में मैं ये आपको एक खबर दे रहा हूं, लेकिन शायद रात तक हो जाए। लेट अस वेट और लेट अस होप फॉर द बेस्ट। स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट अप्लाइंग एट द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज du.ac.in, जो ऑफिशियल वेबसाइट अभी मैंने खोला था वो आपको लिंक में भी दे दूंगा। एन ऑफिशियल फॉर्म फ्रॉम DU's एडमिशन कमिटी इन्फॉर्म्ड इन express.com दैट द फॉर्म्स विल बी अवेलेबल फॉर अ मंथ एंड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई टिल July 20। ऐसा कहा गया है कि जुलाई के 20वें दिन तक उनके पास फॉर्म अप्लाई करने का मौका होगा। आगे यह भी कहा गया है कि ऑफिशियल नोटिस रिगार्डिंग द एडमिशन विल बी रिलीज्ड एट द ऑफिशियल वेबसाइट सून। व्हाइल द एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द यूनिवर्सिटी टू रिलीज द फॉर्म एट 5 PM, 5 बजे आना था, लेकिन अभी तक जब मैंने चेक किया है लास्टली 5:35 तक तो नहीं आया है। लेट अस सी, जरूर रिलीज करेंगे। द ऑफिशियल इनफॉर्मल express.com एंड द फॉर्म कैन बी एक्सपेक्टेड बिटवीन 5 to 9 PM एज एवरी ईयर ओवर द 2 lakh स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर द एडमिशन एट वार्सिटी सर्वर्स कम अंडर लोड। तो 5 से 9 बजे के बीच में जरूर आ जाएगा। आज की तारीख है 20 जून की। द एंटायर प्रोसेस विल बी ऑनलाइन एंड कॉन्टेक्ट लेस, मतलब जितना कम से कम लोग एक दूसरे से मिले वैसा तरीका अपनाया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस में। एज लर्नड बाय द इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम द यूनिवर्सिटी इज टॉकिंग टू एक्सटर्नल एजेंसीज टू कंडक्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विदाउट एनी स्टूडेंट्स हैविंग टू विजिट यूनिवर्सिटी। DU इज नॉट गोइंग टू होल्ड एनी स्पोर्ट्स ट्रायल फॉर एडमिशंस एज इट्स यूजुअल प्रोसेस टू अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ गैदरिंग इन द यूनिवर्सिटी। और जो भी स्पोर्ट्स के ट्रायल होते थे स्पोर्ट्स कोटे के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए ट्रायल की व्यवस्था इस बार नहीं की गई है, नहीं कराई जाएगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऐसे एजेंसीज से कांटेक्ट कर रही है जो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मदद कर सके, ताकि स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ना जाना पड़े। आगे यह भी कहा गया है, फॉर मेरिट बेस्ड एडमिशन स्टूडेंट हुज रिजल्ट आर येट टू बी डिक्लेयर्ड विल बी गिवन अ चांस टू अपलोड देयर मार्क्स लेटर। मैं फिर से कहता हूं कि जो 12वीं के बाद या 12वीं के मार्क्स के ऊपर आपको एडमिशन दिया जाता है, उसमें स्टूडेंट्स को बाद में अपलोड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी सारे बोर्ड्स के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। कुछ स्टेट बोर्ड के जैसे बिहार बोर्ड के आ चुके हैं, लेकिन CBSE का तो अभी एग्जाम भी कुछ बाकी है और ICSE और ISC बोर्ड का भी कुछ एग्जाम्स बाकी हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और ऐसा कहा गया है कि 15 अगस्त तक रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे, ये HRD मिनिस्ट्री ने कहा है अपने स्टेटमेंट में। तो
It suggests the portal will be reopened from 31st of July to August 9 for the aspirants to update their class 12th marks. और पहला कट ऑफ 11 अगस्त को रिलीज करने के लिए कहा गया है. While admission over 64,000 seats, 64,000 से ज्यादा बच्चे जो ग्रेजुएशन में मेरिट बेसिस पर 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लेंगे उनके लिए होगा और बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होगा जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी. अब आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होगी इसके रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो अत्यंत आवश्यक है. इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना और देखना जरूरी है. ध्यान से सुनिएगा. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द एप्लीकेंट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट. सबसे पहले पासपोर्ट साइज चाहिए होगा, फोटोग्राफ, इसके बाद स्कैंड सिग्नेचर चाहिए होगा, सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th मार्कशीट जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो. क्लास 10th का आपका सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट चाहिए जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो. इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th मार्कशीट भी चाहिए. एससी एसटी यानी कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आप आते हो उसकी सर्टिफिकेट चाहिए स्कैंड. ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हो, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एसटीएम के द्वारा बनाया हुआ सर्टिफाई किया हुआ अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो. सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ स्पोर्ट्स एंड ईसीए दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो तो आपको ये सारी चीजें दी जाएंगी. थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं इस रिपोर्ट को कि दिस ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज इन्वाइटेड सजेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स टू इम्प्रूव द एडमिशन प्रोसेस. द सेक्शंस रेंज्ड फ्रॉम रेशनलाइजिंग कटऑफ्स टू कंट्रोल ओवर और अंडर एडमिशन अक्रॉस द कॉलेजेस. द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज पुश्ड द एकेडमिक एडमिशंस साइकिल मच बिहाइंड द शेड्यूल एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिलेड एडमिशन साइकिल फॉर द वार्सिटी. द एडमिशन फॉर द प्रीवियस सेशन बिगैन ऑन 31st मे व्हाइल इट ओपन्ड ऑन मे 15.